आप लोग? आज फ्रेंड्स मैं बात करूंगी कि आप बहुत ही कम देखभाल और बहुत ही कम जगह में छोटे छोटे पॉट में आप ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है लगाना, और ये आपके गार्डन में हमेशा सालों साल बने रहते हैं और ये जाने वाले नहीं अगर एक बार आप लगा लेते हैं इन पौधों को। तो फ्रेंड्स कौन कौन से वो पौधे हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं अगर बात करूँ हमेशा पॉट के लिए तो फ्रेंड्स कमी हो जाते हैं पॉट हमारे गार्डन में। जो गार्डन लवर प्लांट लवर होते हैं उनके लिए पॉट की कमी हमेशा रहती है। तो जो मतलब कुछ क्रिएटिव वाले होते हैं जिनके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहता है तो वो क्या करते हैं कुछ इस तरीके से जो हमारे पास वाटर बॉटल रहती है उसमें डिज़ाइन करके बना लेते हैं, छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। तो उसमें आप चाहें तो कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉन्ग ऑफ इंडिया लगाया हुआ है, छोटा सा कटिंग है, आपकी कटिंग भी रेडी हो जाती है साथ में और प्लांट जो होता है खूबसूरत लगता है, साथ में प्लांटर भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा वेस्टेज होता है ऐसे बॉटल हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं या फिर जो ऑयल कैन होती, जैसे कि हमारे पास ये ऑयल कैन है तो मैंने इसे कट करके थोड़ा सा कलर कर दिया है और इसमें मैंने यहाँ पे कलरफुल मतलब लगा के रखा हुआ है, देख सकते हो मैंने देसी और हाइब्रिड दोनों कटिंग मतलब इसमें लगा के रखी हुई है ताकि ये लग जाए। और अब इस तरीके से अगर बुशी करना फ्रेंड तो जो हमारे मेन स्टेम्प होते हैं वहाँ पिंच कर दो तो इस तरीके से बुशी हो जाते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरी गोल्ड की मैंने छोटी सी मतलब कटिंग लगाई हुई है, देख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी निकली हुई है। तो आप इस तरीके से छोटे से पॉट में कुछ क्रिएट करके आप लगा सकते हो। यहाँ पे खिलने वाला भी है और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी कटिंग से ही लगा है, मेरा वही वाटर बॉटल है जो मैंने लगाया, सॉरी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स थी वो मैंने लगाई हुई उसमें। और ये देख सकते हैं ये 6 इंच का पॉट था, इसमें मैंने सिर्फ ऐसे ही मतलब जो टर्टल वाइन होती है उसको मैंने लगा दिया था इसमें, देख सकते हो। तो आप टर्टल वाइन भी लगा सकते हैं, किसी भी छोटे से पॉट में लगा देंगे आप, 4 इंच का 6 इंच का कोई भी पॉट होगा, छोटी सी कटिंग गिर जाती फ्रेंड्स वो अपने आप वहाँ पे लग जाती हैं और अपना जगह बना लेती हैं। तो आप इनको भी लगा सकते हैं छोटे से पॉट में। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट फ्रेंड्स वो है डेविल बैकबोन, इसको भी कटिंग से ही मैंने लगाया हुआ था, अभी ढेरों सारे इनके प्लांट में बना ली हूँ। तो इस तरीके से आपके पास अगर वेस्टेज है, छोटी बॉटल है, छोटे पॉट्स हैं, कुछ भी हो आप बना के लगा सकते हैं। मैंने ऑयल कैन का यूज़ किया है और कहीं भी फ्रेंड्स इस तरीके से रख दोगे ना बहुत ही खूबसूरत लगेगा, तो इनको भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेंड्स वो है हमारा सेंसिबेरिया यानी कि स्नेक प्लांट। तो ये तो मेरे पास ढेरों सारे हो गए हैं तो मैंने सोचा एक छोटे से पॉट में लगा के कहीं रख देती हूँ, ये भी मेरा ऑयल कैन ही था तो इसमें मैंने लगा दिया, थोड़ा सा कलर कर दिया। इस तरीके से क्रिएट करके आप लगा सकते हो, ना तो आपको पॉट की ज़रूरत होगी ना ही ज़्यादा मिट्टी लगती है। अगर इस तरीके से छोटे छोटे पॉट लेते हो तो इसमें मिट्टी बहुत कम ही लगती है, तो आप इस तरीके से पॉट ले सकते हैं और मिट्टी भी आप लाइट वेट ही बना सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं भी दिखा दूँ, ये है हमारा जो एमरेलिस लिली है, उसके 2-3 बल्ब मैंने इसमें लगाए थे और ये मेरा देखिए मैंने इसमें रैबिट बनाया हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको मैंने 1 साल पहले ही बनाया हुआ था, 1 साल क्यों 2 साल होने वाले हैं, कलर वैसे के वैसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर क्रिएटिव का वो है शौक़ है तो आप इसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल वो भी यूज़ हो जाएगा, साथ में जो आपका गार्डन है वो भी खूबसूरत लगेगा। और इस तरीके से आपके क्रिएट हुए प्लांटर में अगर पौधे लग जाते हैं तो पूछो ही मत, 4 चांद लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको भी आप लगा सकते हैं।
क्या है ना कि इन छोटे छोटे पॉट को आप कहीं भी रख दीजिए, इनको किसी भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं होती, कहीं भी रख दीजिए, खूबसूरत लगते हैं देखने में। और मेरे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हवा को शुद्ध भी करते हैं, कुछ मतलब शुभ प्लांट भी है, जैसे कि मेरा सेंसवेरिया है, बहुत ही मतलब लकी प्लांट इनको माना जाता है। अगर घर के अंदर भी रख लेते हो ये चल जाएगा। आप कोई भी छोटा सा वेस्टेज ले सकते हैं, पॉट या कप जो मंगाते हैं हमारे घर में अक्सर यूज़ होता है, टूट जाते हैं ज़रा सा भी फेंक देते हैं, तो उनमें भी इनको लगा सकते हैं। और इस तरीके से ऑयल कैन तो फ्रेंड्स सबके घर में होगा ही, अगर नहीं है तो आप जाएंगे जो किराने की स्टोर होती है वहाँ पे आपको इस तरीके से बॉटल्स वगैरह मिल जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक तो सबके घर में आती होंगी फ्रेंड्स, तो उससे भी आप बना सकते हो, छोटी बड़ी कोई भी बॉटल्स हो सकती हैं। पॉट हो तो इस तरीके से पॉट भी आते हैं ऑनलाइन, आप सस्ते मिल जाते हैं, उनसे भी परचेस करके आप इनमें लगा सकते हैं। और जगह को बता दिया प्लांट फ्रेंड्स, मैंने जितने भी बताए बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, एक बार अगर लगा लेते हो ना तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे, इनसे डिवाइड होते रहते हैं, एक से दो, दो से तीन, जैसे कि हमारा विनका हो गया, अगर आ गए तो इनके सीड आपके उसी में गिर के ढेरों सारे प्लांट बना लेंगे। सेंसवेरिया है तो उसमें अपने आप नीचे से जड़ से निकलते रहते हैं पब से, छोटे छोटे बेबी प्लांट उससे रेडी कर सकते हो। हमारा ये जो है एमरेलिस लिली, इसमें भी बल्ब होते हैं, ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं। मेरी गोल्ड का भी इनको कटिंग से रेडी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट जो है ये है सोंग ऑफ इंडिया, इसमें भी नीचे छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं, आप रेडी कर सकते हो। टर्टल वाइन है, इसमें भी इस तरीके से एरियल रूट्स आते हैं, इनसे भी हम कट करके लगा सकते हैं। एक डेविल बोन है तो इसमें भी देखिए इस तरीके से, ये छोटी सी है ना, इसे हम इस तरीके से तोड़ के अगर लगा देंगे ना फ्रेंड्स तो आसानी से ये लग जाता है, इसी में मैं लगा दूंगी। तो ये सारे प्लांट्स ऐसे कुछ हैं फ्रेंड्स जो कि आसानी से मिल जाएंगे, इनको किसी भी जगह की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़्यादा पॉट की, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कहने की बात ये फ्रेंड्स कि आपको जो बोलते नहीं है वेस्ट का वेस्ट बना सकते हैं हम लोग, तो वही चीज़ है यहाँ पर, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।